नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जो हम मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे उसको पहले हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है कि 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो एक संख्या दी गई है 1000, उस 1000 में से कौन सी संख्या हम घटा दें कि जो हमारे पास संख्या बचेगी वह 19 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 19 से 1000 को डिवाइड करके देखेंगे। तो हमने 19 से 1000 को डिवाइड किया। ठीक है, अब 19 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार यहाँ भाग जाएगा। 19 बचे 95, यहाँ 5 बचेगा, एक जीरो और आ गया। 19 दूनी 38, कितना बचेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यानी क्या बच रहा है, 12 शेष हमारा बच रहा है। तो हम 1000 में से क्या घटा दें, 12 को घटा दें, तो जो हमारे पास संख्या बचेगी वह पूरी पूर्णतः 19 से विभक्त हो जाएगी। यानी इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 12। कि हम 1000 में से अगर 12 को घटा देते हैं तो जो हमें संख्या मिलेगी वह 1000 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।